देख सकते हैं हमारे पास कार है स्कोडा की सुपर्ब। कार में प्रॉब्लम है कि कार में चेक लाइट आ रहा है और ये जो हीटर का लाइट रहता है वो कंटिन्यू बिलिंग कर रहा है। जब कार चलती है तो पिकअप भी नहीं ले रहा, थोड़ा पिकअप भी कम है। अभी एक स्कैन देख सकते हैं, अभी चाबी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये जो लाइट है ना अभी जो चला गया, जैसे बंद करे तो फिर चला जाता है, फिर थोड़ा देर बाद जैसे चालू करेगा मतलब रनिंग करेगा तो आ जाएगा। यहाँ पे जो हीटर की लाइट है दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ, ये देखो हीटर की लाइट आई गई। पर जब गाड़ी चालू होती है, दिखाता हूँ गाड़ी भी चालू करके। ठीक है, अभी देखो लाइट नहीं आ रहा ना। जब मैं गाड़ी चलाऊँगा, रेस करूँगा या रनिंग में चलाऊँगा, तो उसके बाद क्या होता है, सिग्नल ले लेता है ये जो हीटर का लाइट है, बिलिंग करने लगता है कंटिन्यू। तो इसमें हीटर का बिलिंग लाइट करने के बाद मैं स्कैन किया हूँ, स्कैन में देख सकते हो ये कोड आ रहा है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर सर्किट बैंक 1, एक्टिव कोड है P054400, एक्टिव स्टैटिक, मतलब एक्टिव कोड है ये कोड। मतलब या तो वायरिंग का प्रॉब्लम है आपका या सेंसर का प्रॉब्लम है, जो टेम्परेचर सेंसर रहता है एग्जॉस्ट गैस का। एग्जॉस्ट बोले तो आपका जो साइलेंसर के जो बाहर लगा रहते हैं सेंसर, साइलेंसर के ऊपर दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे, देख सकते हैं ये साइलेंसर है। ठीक है, साइलेंसर ऊपर ये सेंसर गया नीचे की तरफ। ठीक है, और ये देखिए ये सेंसर यहाँ से यहाँ आया है। देखो यहाँ पे ये ना क्या है, वायर कट गया है, तो मैंने काट दिया वायर, और इसका वायर इधर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको वायर को ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट करने के बाद फिर से स्कैन करते हैं गाड़ी, और फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ कि नहीं। को निकाले और पूरा जड़ से ही काट दिया चुहे ने। अभी इसको सोल्डिंग या तो सॉकेट दूसरा मिलता है वो डाल दूंगा। तो अभी या तो सॉकेट देखता हूँ, ढूंढता हूँ कहीं सॉकेट है तो लेके आता हूँ, नहीं तो फिर क्या करता हूँ इसको सोल्डिंग करके लगाता हूँ, फिर देखता हूँ हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ कि नहीं। सॉकेट निकला नहीं तो मैंने क्या कि पिन भी बाहर नहीं आ पाए, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने कट कर दिया, 100 ब्लेड से लेके कट कर दिया इसको। फिर उसके बाद वायर छील दिया यहाँ पर ताकि जोड़ सकूँ मैं वायर। अभी ये तवरा वायर हो गया, अभी जोड़ के इसको फिर लगाता हूँ। सत्य फ्रेंड्स, मैंने वायर दो जोड़ दिया है, सेम टू सेम वायर ले लिया मैंने। ठीक है, मेरे पास इसी वायर था, ले लिया। उसके बाद अभी उस पर ज्वाइंट करता हूँ जो वायर था उसमें। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसको अभी छील के ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए ये वायर है यहाँ पे। ठीक है, इसको ज्वाइन करता हूँ अभी। तो कलर वायर जोड़ दिया, सारे सॉकेट को आराम से बैठा दो, यहाँ पे बैठा तो वहाँ पे बैठा दो। उसके बाद अभी लेक चलता है, स्कैनर में जो कोड आ रहा था वो गया कि नहीं, हमारा जो कोड आ रहा था वो दिखाता हूँ आपको, गया कि नहीं देख सकते ये कोड है। ठीक है, उसके बाद इरेज करता हूँ ये कोड। ठीक है, देख सकते हैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, कोड हमारा इरेज हो गया, अभी नॉर्मल हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे नो कोड आ रहा है, अंदर भी आपको घुस के दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रीड डीटीसी में नो कोड आ रहा है, नो डीटीसी, देख सकते हैं नो डीटीसी आ रहा है। उसके बाद आप ही कार मेरी चालू करता हूँ। ठीक है, अभी कार चालू कर दिया हूँ, अभी रनिंग करूँगा, रनिंग में पता चले मुझे कि लाइट आ रहा है कि नहीं।